बहु ज्ञानी गुणी को लेकरी आमर संजोग समृद्ध तेणु आम भितर परस्पर भितर ज्ञान बांटार उद्देश्य नहीं समस्त भितर संपर्क को सुदृढ़ करने आम वेबिनार मान कर विभिन्न विषय विशेषत आम सभ्य सभ्या को नहीं क्रम आज गोटे सुंदर विषय वस्तु रखा जा वैदिक वर्ण व्यवस्था और चारि आश्रम मोर विश्वास किसी लोक आविष्य भी जदि किसी भ्रमधारण थाए मत दूर हो आज प्रवक्ता होती वेद उपरे विशेष ज्ञान थिबा श्रीयुक्त यज्ञ प्रकाश दास आज कार्य को संचालना करिबे भाई विभूति भूषण पाणिग्राही नुआपड़ बर्तमान अनुरोध करुच्छी भाई विभूति भूषण पाणिग्राही को कार्यक्रम को आगे ने भाई विभूति बाबू आप म्यूट हो अनम्यूट कर समस्त नमस्कार प्रकृत आज कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्व भौणी विजयलक्ष्मी को खंडकाव्य उन्मोचन अभिनंदन जनवाक चाहे जदि भौणी अच्छा तेल भौणी को कंग्राचुलेसन समस्त को प्रणाम जय श्री जगन्नाथ हे कोटि कैवल्यर नाथ कोटि प्रणाम घेन कोटि नयनर मणि सारा जगतर निखुण बिंधाणी आपणकर पदार बिंदरे कोटि कोटि दंडवत संजोग गोष्ठी समस्त वरण्य सदस्य मानू हृदय सहित प्रणाम एवं स्वागत जनाऊ आपण मैंने एकमत हे कि नहीं जानी किंतु आम समस्त जीवन प्रदीप घी सरी सरी आस समाज आखिरे आम पत्र झड़ा दे फुंटा बरगछ दीप लिभवा पूर्व आसतु ना कि सत्संग कर जीवन को धन्य मन करवा उपनिषद बाणी अनुसार असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय अर्थात हे प्रभु आम समस्त को असत्यर सत्य आड़क अंधकार रु प्रकाश आड़क मृत्यु रु अमरत्व आड़क नहीं जाते अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति दिगरे अग्रसर करा आम व्हाट्सएप गोष्ठी संयोग गुण वर्णना बा कौन कर सामने संयोग विषय समस्ते किसी ना कि निश्चित अभिहित यह अक्टोबर 2020 मसीह जन्म ग्रहण कर भयावह तार समय ओडिशार किसी समभावापन्न वरिष्ठ मान गठित ये अनुष्ठान जन्मदिन पालन संगीत आध्यात्मिक सत्संग विभिन्न ज्ञान विज्ञान आलोचना भली अनेक कार्यक्रम हाथ को नहीं सदस्य मानू जीवन अपराह एक उत्तम जीवन जापन रास्ता देखाए मैक मानव अध्ययन केन्द्र महामान्य प्रतिष्ठाता श्रीमान हर भाई को प्रणाम नेतृत्व में समाज में अवहेलित वर्ग जीवन में मूल्यबोध भित्तिक व्यक्तित्व विकास दिगरे निरंतर चेष्टित संयोग अन्यतम सम्मान सदस्य श्रीमान सुधार भाई श्रृंखलार परिधि भितर रही समस्त सदस्य को गोठ जगिला भाया जगि रही क्षमा करेंगे प्रत्येक कार्यक्रम सफलता पछरे शेष स्पर्श निश्चित अनुभूत हुए एथिरे बोधे संदेह किसी ना आसतु आज कार्यक्रम को आगक बढ़ेगा मु विभूति पाणिग्राही ओडिशार एक उपांत जिला नुआपड़ कार्यक्रम संचालन करने साहस अवश्य सुतार भाई का दंभ मो पछपटे रही आज एक पवित्र आध्यात्मिक जीवन जापन श्रृंखला आनी दे एक विषय वैदिक वर्ण व्यवस्था और चारि आश्रम आज प्रवक्ता होती श्रीमान यज्ञ प्रकाश दास वेदानुरागी बा जिज्ञासु वेद पिपासु सुनामधन्य अनुष्ठान एमटेक डिग्री हासिल करी
राउरकेला इस्पात कारखाना रे कार्यरत रही निकट अवसर नहीं वेद विदुषी माँ सन्नदेवी एवं वेदज्ञ इंजीनियर प्रियव्रत दास सुपुत्र बापा पांच संस्कार आपण अभुला स्मृति समय कही सर पांच संस्कार बापाजी आपको देते सकार संस्कार नुह सर सकार तारी सीमा भितर बंधा ही बापा पांच संस्कार परेशनी मध्य एक संस्कारित जीवन शैली को समाज एक भिन्न स्थान मंडन अधिकारी करी सृजनी सृष्ट बही स्वामी दयानंद भारत में मूर्ति पूजा और परिणाम आर्य मान भारत विदेश की प्रश्न उत्तर मुझार कथा छल निश्चय शुणा को चाहिए शाकाहार ना मांसाहार क्यों कृष्ण आम आदर्श यहाँ मो मन एक सृष्टि कर सन्देह जे प्रकृत में कौन उत्तर हम एवं जीवन पथर सहजात्रिणी मैडम को नमस्कार सहजात्रिणी संगे लिखि इंग्राजी पुस्तक एसेंस ऑफ वैदिक मैरिज बेस जनादृत आम समस्ते जानू आम धर्म सत्य सनातन धर्म सृष्टि आरंभ रु अनादि कालरु जनादृत सनातन धर्म मूलाधार होती वेद स्वयं भगवान वेद मिश्रित बाणी वेदात धर्म ही निर्भवु वेदरु ही धर्म प्रकट होती यजुर्वेद वर्णना अच्छी ब्रह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्य मरुभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम वेद ज्ञान प्राप्ति तथा प्रचार पाई ब्राह्मण को रक्षा पाई क्षत्रिय को प्राण पोषण पाई वैश्य को तथा विशेष परिश्रम पाई शूद्र को जान यह परिवर्तनशील उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि विदुर विश्वामित्र तप और कर्म बल से शूद्र रु ब्राह्मण हो पारे भूल थे सार मत निश्चित गाइड करदे गीतार भगवान कहते चतुर्वण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सत्यकर्तारमपि मा विद्याकर्तारम अव्ययम अर्थात गुणकर्म विभाग नहीं मुझे चारिवर्ण सृष्टि कर आश्रम व्यवस्था को वर्णना करने को जाए महर्षि दयानंद उल्लेख कर आश्रम अति चतार सी आश्रम मध्य चारिगोटी अच्छी ब्रह्मचर्य गृहस्थ दानप्रस्थ सन्यास भेदार मनुस्मृति में महर्षि मनु वर्णना कर चतारश्रम पृथक मोठ निश्चित अधिक सार व्याख्या करेंगे बयस अनुपात में मनुष्य विभिन्न अवस्था को सहजरे बुझापी पूज्य स्वामी माधवानंद प्रवचन काल में दर्शाई मुझी ब्रह्मचर्य 25 वर्ष पर्यंत एज अफ लर्णिंग गृहस्थ 25 रु 50 वर्ष पर्यंत एज अफ अर्णिंग वानप्रस्थ 50 रु 75 वर्ष पर्यंत एज अफ टर्निंग एवं सन्यास आश्रम 75 रु जीवन काल पर्यंत एज अफ रिटर्निंग आम मुख्य आम फेरी जावा मुख्य प्राप्त हवा मु अज्ञानी ए विषय विशेष ज्ञान अभाव तेणु आसतु आज आम गहन उपस्थित वेद विद्वान मुहर सविशेष भाव शुणा भाई ज्ञान प्रकाश दास को स्वागत आउ एक सूचना देवाई मुझे समस्त श्रोताबंधु को अनुरोध निज निजर ऑडियो वीडियो बंद रखिले जहां जदि किसी प्रश्न थाए से चैट बॉक्स माध्यम किंबा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम समय पचारिपारे श्रीमान ज्ञान प्रकाश दास को आउ थ अनुरोध करी से आसतु एवं आम को मुखार बिंद निश्रुत ज्ञान बांटतु श्रीमान ज्ञान प्रकाश दास भाई स्वागतम संजोग समस्त बंधु मान को मोर अनेक शुभेच्छा आ नमस्कार जनाऊँ मो ना यज्ञ प्रकाश दास आमर जो संजोग परिवार रे जो मैंने अच्छा सर्वकनिष्ठ मानते मु सब छोट मोर जस्ट 60 पूरी कि मुझे 61 मोर चली तेणु सब बड़ भाई और भौनी मान को मोर नमस्कार तो मुझे विभूति भाई जोटा कहले सी प्राय बहुत कथा सी कहीदे गीता आ मनुस्मृति वेद ये सब उदाहरण करी जे चारी चारी वर्ण और चारिटी आश्रम आमर ऋषि मुनि मैंने जहाँ प्रणीत करते सब विभिन्न शास्त्र मानक लेखाही समस्ते भी प्राय जानी जे चारिटी आश्रम अच्छी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आउ चारोटी वर्ण अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो यही भितर मुझे जानी मुझे जन वेद जिज्ञासु मोर एति ज्ञान ना कि
मु भल वक्ता मध्य नुहे कि मोर आमर प्राचीन साहित्य विषय मोर जानवर बहुत इच्छा अच्छे से मु विभिन्न पुस्तक पढ़े और धर्म ग्रंथ पठन करे आतकिंचित जी मो द्वारा हो पारी से लेखनी मध्यम मु प्रचार और प्रसार करे आम वैदिक अनुसंधान प्रतिष्ठान मोर पिता द्वारा जो स्थापित होता से प्राय 35-40 खंड बही अच्छी से 6-7 इंग्लिश बही आ बाकी सब ओडिया बही मातृभाषार प्रचार प्रसार बेदर प्रसार करने पिता उद्यम निश्चय आम समस्त उत्साहित कर बेसी उत्साहित कर सान पिला ए विषय मु पढ़ापढ़ी करूली आ ज्ञान आहरण करने चेष्टा करी तो मुझे मंत्र गोटे मंत्र पाठ करके यजुर्वेद मंत्र जहाँकि ईशोपनिषद प्रथम मंत्र करके मु आरंभ कर ओम ईशा बाश्यमिदं सर्वं जत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये मंत्रटी प्राय समस्त जानी थे ईशा बाश्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत यही जगत रे जहा जो मूवेबल जगत अच्छी से ईशा बाश्यम इदम सर्वम जगत अर्थात ये जगतर समस्त जिते ऐश्वर्य अच्छी धन अच्छी से द्विपद व चतुष्पद अच्छा प्राणी मान ये समस्त हर्ता कर्ता व स्वामी होंगे परमेश्वर ईशा बाश्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा तेन मान द्वारा त्यक्तेन भुंजिथा मान त्याग करी भोग कर माँ गृधा अर्थात तुम्हें कंजूस हुआ नहीं माँ गृधा कस्य सिद्धनम ए धन कहार एटी परमेश्वर तांकर वेद बाणी रे कहिसेंती जे ए जो समस्त ऐश्वर्यर धारक पालक ओ कर्ता परमेश्वर अटंती आउ आमे सेटा को निजर संपत्ति बोली न भाबी तहा परमेश्वरंकर संपत्ति मु आई एम ओनली ए कस्टोडियन ऑफ दैट आई एम नॉट द प्रोप्राइटर एस भाबिकरी एही धन संपत्ति को उपभोग करिया उचित एथिरे कृपणता करिवा उचित नुह त्याग करी भोग करिवा उचित कारण केवल जदि भोग करा जाए ताहले आमर अजीर्ण हुए त्याग आमे सबुदिन मल त्याग करछु जो दिन आमर मल त्याग बंद हो जिवो से दिन आमर देह खराब हो जिवो तो सेथिपई परमेश्वर कहिसेंति सबुबेले त्याग पूर्वक भोग कर आउ एही जो प्रिंसिपल अछि त्याग पूर्वक भोग करिवार प्रिंसिपल कु नै आमर वैदिक ऋषिगण चारिटी वर्ण सृष्टि करथिले आउ चारिटी आश्रम सृष्टि करथिले वर्णर अर्थ होची ब्रू धातुरु संस्कृत रे ब्रू धातुरु अर्थात तार अर्थ होची वरण करिबा बा ग्रहण करिबा तो वर्णर अर्थ वर्ण को समस्त ग्रहण करथिले कारण वेदरे कहिछि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजम उच्यते समस्ते समस्त सबु मनीष जन्म रु शूद्र होकर जन्म हमती किंतु से माने संस्कार और विद्या लाभ करके से माने संस्कारित हमती से माने द्विज हमती तांकर प्रथम जन्म मातृगर्भ रु होता है द्वितीय जन्म हुए विद्या रूपक गर्भ गर्भ रु तांकर जन्म हुए अभिज्ञ जो गुरु माने माने आगुरु गुरुकुल रे थिले आउ से माने शिक्षा देउथिले सेतबेले से माने जो शिक्षा लाभ करथिले विद्यार्थी और विद्यार्थिनी माने ता द्वारा से माने द्विज होउथिले अर्थात द्वितीय जन्म से मानकर लाभ होउथिला तेणु एई वर्ण व्यवस्था जो ब्रू धातु रु वर्ण करिबा से आमर प्रश्न उठे जे आजिकाली जो जाति विभाग अछि सेतबेलर जो वैदिक युगर वर्ण व्यवस्था थारु संपूर्ण भाबरे भिन्न थिला वर्तमान जाति विभाग जहा हूँ जे ब्राह्मण जातिर पुअर झील हूँ ब्राह्मण व ब्राह्मणी क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य वैश्य और शूद्रर शूद्र यहाँ हूँ एवं प्रचलित जाति व्यवस्था किंतु पूर्व काल में वर्ण व्यवस्था थी जोटा जाति व्यवस्था ठार् संपूर्ण भाव में भिन्न था जन्मगत ना तार अर्थ हूँ केवल गुण कर्म और स्वभाव
विभूति भाई एबे जस्ट कहुथिले तांकर जे गुण कर्म स्वभाव अनुसारे भगवान कहिछंती सेही चारि मु चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा अर्थात चारिटे वर्ण मु सृष्टि करूछि त आमे एबे अनुध्यान करिबा से वर्ण किए कहा को देउथला एबे आमे जानिछि जे गोटे जाति भागरे ब्राह्मण रो पुआ ब्राह्मण होछि बोली गोटे फिक्स गोटे नोशन अछि किंतु पूर्व काल रे किए से वर्ण कहा को देउथला एटा होछि गुरुकुल रे जेतेबेले पिला माने पढ़ुथिले से माने जो 20-25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करथिले सेही समय रे सेमानकर अभिज्ञ गुरु जो माने थिले गुरुकुल रे सेमाने सेमानकर से पिला मानकर गुण कर्म देखिकि सेमानकर व्यवहार देखिकि सेमाने स्थिर करथिले जे से कोन को केउ वर्ण रे हबो जो माने सात्विक गुण संपन्न थिले जो पिला माने जन्मजात स्वभाव जार ताकू से माने ब्राह्मण ने कैटेगराइज करथिले आ जो माने क्षेत्र बल अच्छी जो मान अन्याय से माने सही पारंती कौन से अन्याय देखले सही पारे तो से माने होंगे क्षत्रिय आउ जो माने आर्टिस्ट बा विभिन्न कला निपुण ऑटोमेटिकली जन्मजात स्वभाव जार कला थाए बा व्यवसाय थाए वाणिज्य थाए से माने होंगे वैश्य आउ जो मान मानसिक संपूर्ण विकसित मानस मानसिक विकास है न थाए संपूर्ण भाव में अन्य वर्ग मान तुलन आने शारीरिक परिश्रम करी से माने तांकर जीवन निर्वाह करती आउ पढ़ा पढ़ी बा अन्य कौन सी प्रति तांकर जहाँ ध्यान न थाए कि इच्छा न थाए से माने होचंती शूद्र तो जो अभिज्ञ ये माने गुरु माने थिले गुरुकुल रे जेतेबेले से मानकर समावर्तन उत्सव होता जेतेबेले सेमाने गुरुकुल को जाउथिले सेतेबेले सेटा को कहाउथला उपनयन उपनयन आजिकालि केवल ब्राह्मण कुलोत्पन्न लोक मानंकर केवल व्रत घर बा उपनयन संस्कार कराउछि किंतु प्राचीन युगरे सेपरि नथिला प्राचीन युगरे द स्टार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज उपनयन उप माने पाखकु नयन माने नेबा गुरुंक पाखकु जेतेबेले सेमाने बालक ओ बालिका सेमानकु नै जाउथिले बालिका मानकर अलगा गुरुकुल थिला बालक मानकर अलगा गुरुकुल थिला तो बालक मानकु जेतेबेले नैकि जाउथिले सेतेबेले गुरु कहउथिले आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम अर्थात हे शिष्य तुम्हें मो पाखकु आसीछ उपनयन होइछ माने तुम्हें मोर पाखकु आसीछ मु तुमको मोर विद्या रूपक गर्भरे धारण करबि आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम तो एई भली से तांकर विद्या रूपक गर्भरे रखुथिले आउ सेठारे ही सेमानंकु शिक्षा दान करुथिले से शिक्षा दान रे से जानि परथिले विभिन्न माने शिक्षा देला कि धनुर्वेद किए वेद उपनिषद विषय पढ़ुला किए वाणिज्य विषय पढ़ुला एपरि अभिज्ञ गुरु माने थिले तो सेठी से माने वर्ण अलॉटमेंट करुथिले जेतेबेले समावर्तन उत्सव होता कन्वोकेशन जेतेबेले होता 25 वर्ष समय जेतेबेले से माने सेई वर्णटा करुथिले किंतु आज सेई वर्ण व्यवस्था संपूर्ण भाव लोप पाइछि एबे केवल जन्मगत जाति प्रथा रहिछि जन्मत जाति प्रथा हेबारु आमन कोन आमे कोउ असुविधा रे पड़िछे आमर समाज सेटा आपण समस्त मन जानिछन्ति कलह बढ़िछि वर्ण वैषम्यता बढ़िछि आउ निज निज भितरे जो सवर्ण तथा कथित सवर्ण लोक माने जो माने शूद्र से मानको अत्याचार करुछन्ति तांकु जळेई दउछन्ति विभिन्न प्रकार अत्याचार करुछन्ति सेथिपई गवर्नमेंट गोटे रिजर्वेशन सिस्टम आरंभ कला जे ए लोक मानको आपण जदि माने अत्याचार करुछन्ति सवर्ण माने आमे तांकु रिजर्वेशन देबो सेइठु पुनी कलह आरंभ हला तो वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा भितरे बहुत माने डिफरेंस रहिछि एथिपई एटा होछि गोटे तार विकृत रूप जाति प्रथाटा एबे कोन ब्राह्मण करण क्षत्रिय माने खंडायत आउ जो माने जे तेली तापरे बढ़ई तापरे कुंभार तापरे एई भली सुनारी एई भली सब विभिन्न भाग कराई किंतु से भागटा हूँ गोटे कर्म विभाग माने इट इज डिविजन ऑफ लेबर प्रवृत्ति कारण मनुष्यर प्रवृत्ति सबुबले सामान रहे वृत्ति अलग अलग हो पारे
मोर जेपरी मुझे भावुच मोर मत सात्विक बही पढ़ाप भल लगे सात्विक विचार करने भल लगे मुझे मन कर मानने मु ब्राह्मण कूल उत्पन्न होते जदि मोर अन्याय नाश करने मोर जदि इच्छा थी कि अन्य कौन सी मानने आर्टिस्ट थी तालोले मु ब्राह्मण कूल जन्म हो वैश्य कि क्षत्रिय हवा उचित किंतु आजिकल जाति प्रथा से दौनी आम आम सब कास्ट बोली आम जो आप्लिकेसन दौ व्हाट इज योर कास्ट व्हाट इज योर रिलीजन ये सब आम लिखुचु तो मोर कह अर्थ हूँ जो वर्ण व्यवस्था जोटा पूर्व काल तार गुण कर्म स्वभाव ये सब कु देखिकी विभिन्न भाग में विभक्त कराला आए ज्ञान रदान प्रदान करूला जहाँ ज्ञान आहरण कर भल लगुला सी होता ब्राह्मण आ से माने सात्विक थिले आ निस्वार्थ पर भाव सेवा करथिले आ से माने समाज रु अज्ञान नाश करथिले आ जो माने क्षत्रिय थिले से माने राज्य शासन करिबा दंड विधान करिबा न्याय प्रतिष्ठा करिबा आ माने दंड देबा न्याय प्रतिष्ठा करिबा ए सब कार्य जे कोनोसी अन्याय सहि पारेनी से होची क्षत्रिय त क्षत्रिय माने समाज रु अन्याय नाश करथिले आउ जो वैश्य माने थिले से माने व्यवसाय करथिले आ भिन्न भिन्न तांकर पेशा भिन्न भिन्न जहा से मानकर थिला जेमती आर्टिस्ट थिला किमा कोनसी कुंभार थिला कोनसी सुनारी थिला ए तो से माने निज निजर ट्रेडिंग करथिले व्यवसाय करथिले आउ सेथिरे धन संपर्क धन संग्रह करथिले किंतु आपण देखंतु एई जो चारिटा वर्णर प्रथमे ज्ञान प्रधान सोसाइटी थिला ज्ञान प्रथमे थिला तापरे आसिला बल आउ तापरे आसिला धन आउ तापरे आसिला सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबुठरु उच्च स्थान रे थिला ब्राह्मण काहेकि से ज्ञान प्रधान थिला से प्रवृत्ति तापरे शक्ति प्रधान से होची क्षत्रिय तापरे होची धन प्रधान से होची वैश्य तापरे होची सेवा प्रधान से होची शूद्र किंतु एबे आमर समाज रे एडे देखा जाउछि जे धन बल ओ ज्ञान रो उपर कु चली जाइछि समस्त धन संग्रह रे व्यस्त काहेकि आमे मध्य आम निजर पिला मानकु अर्थकारी सब पढ़ौछु काहेकि ना धन किंतु केमिति धन पाइबु जे मोर जने सांग थिले मु तांको पचाली से कहले जे मोर तार मोर तांक झियो बहुत लिटरेचर प्रति बहुत इंटरेस्टेड किंतु मुझे जदि इंजीनियरिंग न पढ़ेबी ताकु चाकरी मिलिबनी तो एबे आमे अर्थकारी विद्या पिला मन को पढ़ू छे काहे कि आमर अर्थ प्रधान समाज ही है जा पाखरे धन अछि ता पाखरे क्षमता अछि आ ता पाखरे बल अछि ता पाखरे सब किछि अछि ता पाखरे ज्ञान अछि जो माने जो माने को पाखरे धन अछि आमे समस्त को पूजा करूछे से माने नेता होउछंती समाज रो नेता होउछंती से माने आईन प्रणयन करूछंती से माने आम को बाट कोढ़ौछंती तेणु जेते बेले धन ज्ञान बलठ ऊपर को चली गला से समय आम सोसाइटी रो गोटे पतन आरंभ हला एटा आमे समस्त जानिछे आ देखुछे जे आज एबे जेमती पंचायत इलेक्शन हेतिला मु जण को पचारली आमर जण को जे सर मु आमे पळेबु आमे गां को जन को 2000 टंका लेखे मिलुची पार्टी पक्षर आमको 8-10 हजार टंका मिले ये किए बांटुची ना जी नेता बांटुची तो सीए वर्तमान नेता है धन अच्छी जिते बड़े धन रहा पाखे क्षमता अच्छी पाखे ज्ञान अच्छी समस्ते पूजा करव काल जो मैंने राजा थे राजा पाखक जिते बड़े कौन सन्यासी कौन सी पंडित आसते सी गोड़ धोईकी नमस्कार करते गोड़ धोई पूजा करते किंतु से पूरा से मानने से संस्कृति संपूर्ण भाव लोप पाई एवं धन प्रधान मानने सोसाइटी ही जाए तो मोर कह अर्थ हूँ आम जितेबले आम बार्टर सिस्टम जो पूर्व काल बार्टर सिस्टम थी जार धान थिला से देकरी लुण किणुला जार लुण थिला से देकरी तेल किणुला ए बार्टर सिस्टम थिला किंतु देखले जे समस्त सेथिर बहुत असुविधा होची तनु से माने कोन कले गोटे मुद्रा प्रचलन कले तो ये जो मुद्रा मुद्रा राक्षसी एबे एपरी शक्तिशाली हो जाइछि मुद्राटा केवल एक्सचेंज मनी एक्सचेंज बा कोनोसी जिनसर एक्सचेंज करिया पई तयार हेतिला किंतु एबे देखा हुची मुद्रा वर्तमान समस्त उपरे मुद्रा हुची सबुठु जहाँ पाखे मुद्रा अच्छी सी शक्तिशाली सी धनशाली सी ज्ञानी ताकु समस्ते पूजा करुछंती
तो एटा हूँ आम वर्ण व्यवस्था आगुरु किपरी थिला आउ एबे किपरी अछि सेटा मु कहली एबे मु आश्रम विषय रे कहू छी। आश्रम रा अर्थ हूँ आश्रम आ माने चारियाडू आउ श्रम अर्थात परिश्रम करबा। तो आमर चारोटी आश्रम थिला सेटा हूँ ब्रह्मचर्य गृहस्थ आउ वानप्रस्थ और सन्यास। तो ए चारोटी जो आश्रम थिला ब्रह्मचर्य एबे ये भाई कहते विभूति भाई कहते एक वर्ष रु पचीस वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पचीस रु पचास हूँ गृहस्थ पचास रु पंचस्तरी हूँ वानप्रस्थ और पंचस्तरी रु शहे वर्ष पर्यंत हूँ सन्यास। आज आज कल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कमिकी अराउंड सेवेन्टी इयर्स सिक्सटी एट इयर्स हो जाएगी कि पूर्व काल में समस्त शहे वर्ष पर्यंत बचुले। वेद में बहुत जगह लिखाई ओम तत्चक्षु देवहितं पुरस्ता सुप्रम उच्चरत पश्येम शरद सतम शहेटा शरदम शरद सतम शरत मान शरत ऋतु सतम मान शहेटा हे मनुष्य तुम्हें शहेटा शरत ऋतु देख शहेटा शहे शहेटा शरत ऋतु पर्यंत तुम्हें बाणी रे कह तुम्हें बंची रह। तो मनुष्य आयु को परमेश्वर शहे वर्ष पर्यंत निर्धारण कर तो से पचीस वर्ष पचीस वर्ष पचीस वर्ष कर ब्रह्मचर्य आश्रम कौन थी मुझे उपनयन संस्कार होता सब बापा माँ पुओ मान को लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्ते जोटा कि ब्राह्मण मान कब्जार अच्छी केवल उपनयन से करेंगे अन्न मान को से सुजोग दिगलानी कि प्रकृत में वैदिक सिस्टम एमती कौन ना सब प्रत्येक मनुष्य विद्या शिक्षा पाई गुरु पाखक नौलेटा कहला उपनयन संस्कार जो विद्या सरी जाता है समावर्तन संस्कार होता विद्या आरंभ संस्कार समावर्तन जोटा कि हूँ आप कन्वोकेशन। तो यही समय जो ब्रह्मचर्य समय से पिता से नगर बाहर रोते नगर रही नुह नगर बाहर रोते आने शिक्षा दूसरे ना वानप्रस्थी मान शिक्षा दूसरे वानप्रस्थी मान किए आम जो संजोग जो भाई भी मान आम अच्छा आम हूँ समस्ते वानप्रस्थी कारण समस्त पिला मैंने साधारणतः बहुत कर दे गोटे दिटा छुआ होती जिते जाऊला से ब्रह्म गृहस्थ धर्म छाड़ी वानप्रस्थ हो गोटे नगर उपकंठे से छोट छोट कुटीर निर्माण करें गुरुकूल आश्रम स्थापन करते सही ब्रह्मचारी मान जाते आईटी उपनयन संस्कार होता से पढ़ाते कठोर परिश्रम भितर पढ़ुच आप देख आज कल आम पाने जो मैंने इनक्लूडिंग मी आई एम अल्सो इनक्लूडेड इन दैट आम निजर पिला मान को कौन आम सुख ऐश्वर्य न दौचे आम जहाँ उपभोग करुचे सब पानेभोग कर तेणु ये जो उपभोग मध्यम के विद्या संपूर्ण भाव विकसित हुए ना विद्या विकसित होने कठोर तपमय जीवन जापन करवा आवश्यक जहाँकि आमर पूर्व जो वानप्रस्थी मान अभिज्ञ वानप्रस्थी मान से पिला मान निजे से स्टेज रे गति करप्रस्थी होती तेणु से जानते कि पिला मानक किपर बढ़ेवा पड़ो कमी बढ़ेवा पड़ो से मनोविज्ञान विषय से जानते तेणु से मानक शिक्षा दूसरे तो से पादर जोता ना हलदिया वस्त्र पिंधुले आने एका जिन एका बाढ़ समस्ते खाऊ बण को जाते काष्ठ चयन करने बण को जाते से काठ आणिले यज्ञ होता आिक्षा मागुले से पाखपाख गाँ को एवे आप देखते मुझे देखुली इंटरनेट रे बर्मारे एपर्यंत बान ब्रह्मचर्य सिस्टम अच्छे से घर घर धरिकी भिक्षा मागंती आज दिन आसिले ब्रह्मचारी मान भिक्षा मागवाई से समस्ते गृहिणी मैंने अनेक बस आज कहीं आसिले किसी असुविधा है कि तो यही ब्रह्मचारी मान भिक्षा आप देखते कौन व्रत घर आप देखी थे जेकोसी गोटे व्रत घर देखी थे गोटे ब्रह्मचारी को गोटे बाड़ी दंड धरिकी से ड़ा होकर मुझे तो बहुत उपनयन संस्कार कर बुझाए से मानक गोटे थाली गोटे भिक्षा दिखे टी भिक्षा दिंपर्यंत यही संस्कार व्रत उपनयन संस्कार कराँ भिक्षा मागवाटा तार्थ ब्रह्मचारी भिक्षा मागिक चल आमे कौन करचे चाउमिन दौचे मंचूरियन दौचे जहाँ मागिबा पूर्व आमे आणी ताकु जोगे दौचे।
तो मनुष्य बुभुक्षा रोठी खाइबार जी शुखिला रुटी खाई बंची थी जो ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थ हम से भोग ऐश्वर्य टाक संपूर्ण रूप से उपभोग कर किंतु जी मूल रू ही पलव खाऊ ताकू आउ पलव दे कौन लगे तेणु ब्रह्मचर्य गोटे कठोर जीवन जापन करते आर जो ये माने थिले गुरु गुरु पत्नी से माने ही तांकर बापा माँ थिले आर सांग माने ही सखा थिला कौन से भेदभाव नथिला किए ब्राह्मण किए क्षत्रिय किए धनी किए गरीब किसी नथिला कारण सेइटी डिसाइड होतला जे वर्ण व्यवस्था कहा किए कौन हब तो यहपरि ब्रह्मचर्य जीवन बहुत कठोर थिला तो से समस्ते लंडा हो जाए कहा मुंडे से मुंडन करदे तो से मुंडन करने द्वारा आउ पानिया ये करवा मु देवानंद कट करी राजेश खन्ना कट करी ये भाया ये सब जिन कि नाला आजिकल जो विभिन्न स्टाइल सब पे कर सब ना कारण तर चूल ही नाला आउ किए प्रसाधन कौन कर तेल लगे तो यहाँ से माने जो कठोर जीवन जापन करते निजक गृहस्थाश्रम आगामी गृहस्थाश्रम से निजक तैयारी कर कौन तैयारी करते ना जिते गृहस्थ बह संस्कार हम जो गृहस्थाश्रम हम से भोग ऐश्वर्य बहुत जिनस मिल कि ब्रह्मचर्य बेलू से नियंत्रित भाव मान जो प्रलोभन को ये रेजिस्ट करिवार जो शक्ति ब्रह्मचर्य बेलू से द्वारा से मैंने वेवार्ड हो नाते गृहस्थ धर्म पालन करते हूँ बह संस्कार जो 25 वर्ष हो जाता बह बह हूँ आम गृहस्थाश्रम प्रवेश द्वार बी अर्थ विशेष मान बाहन अर्थात विशेष बाहन इट इज अ स्पेशल व्हीकल फॉर देम टू गो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी व्हीकल से पति पत्नी गोटे समांतरल भाव गोटे गोटे गाड़ी दुई चक भली चलुले गोटे चक पंचर हो गले गाड़ी जेपर चली पारे से भली से माने गृहस्थाश्रम को अति सुंदर भाव अतिवाहित करते कारण से पाखे के दायित्व थिला निज बापा माँ का दायित्व निज शाशु शशुर दायित्व दियर ननंद देढ़शूर जा पड़ोसी आउ जो माने काम करछन्ति सहकर्मी आउ तांकर गृहपालित पशु माने गाई छेली महिषी ये सब जिन ये समस्त गृहस्थाश्रम से मेरे दायित्व बहुत बढ़ी जाता कारण देखो गृहस्थ आश्रम हूँ गोटे मात्र आश्रम जोटी यही तीन टी आश्रम को सी परिचालित करे धन द्वारा कौन ना ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य को से माने गृहस्थ मान ही देखते वानप्रस्थ निजर वृद्ध पिता माता जो मैंने अच्छा से गृहस्थ मान देखते आो मैंने सन्यासी से दान करती तेणु पूर्व काल में केवल गृहस्थ समय ही लोक मैंने निज नगर शहर में रोते आह्मचर्य समय नगर रु बाहर रोते गुरुकूल जिते बानप्रस्थ होता से ये को बण को जाकि रोते से गुरुकूल पढ़ाते अन्य मान सेवा करते सन्यास आश्रम संपूर्ण भाव त्याग करके जाते तेना आउट ऑफ दिस 100 इयर्स से ओनली 25 वर्ष जो गृहस्थाश्रम था से गृहस्थाश्रम लोक मैंने केवल सहर में रोते भोग ऐश्वर्य बाकी सब समय से मैंने बाहर रोते आणु ब्रह्मचर्य कौन तार उद्देश्य था शक्ति संचरण कर समस्ते स्वार्थी थे जो ब्रह्मचारी बहुत स्वार्थी से केवल निजर उन्नति करने आत्मिक शारीरिक मानसिक ये सब उन्नति करने प्रलोभन को किपर रोक जा पार से सब शिखापी ज्ञान आहरण करने से स्वार्थी था कि जोबले से गृहस्थ है तार परार्थ भावना बढ़ला परार्थ भावना किपर बढ़ला ना सी केवल निज विषय भावुला किंतु एवं स्त्री सहधर्मिणी विषय भाविला पितामाता विषय भाविला पड़सा विषय भाविला तेणु से जो त्यागर भावनाटा जिते ब्रह्मचर्य गृहस्थ को गला से व्यापक है जिते गृहस्थ धर्म सरकारी से बानप्रस्थ होता कारण सी जाणी जे ये भोग ऐश्वर्य ये सब जिनस परमानेंट नुह यार अलिकता टाक सी अनुभव कर मोर जे सांग पचारे मोर जे सांग कहते कह मत पहाड़ रसगोला बहुत भल लगे मुझे कहली कतेटा खाई पार ना जिते दब मु खाइबू
तो मुझे पचासटा पहाड़ रसगोला आई बहुत दिन तलर कथा मुझे तुम यदि न खाई आम भितर चैलेंज लगला तो सी कहे ना मुझे खाईदेवि तो पांचटी रसगोला पांचटी रसगोला पर्यटन स्वाद भल था कि सिक्स सेवेन्थ बा टेन्थ रसगोला होगा आउप सी खाईपारे कले मो पार्टी अरुचि हो गला मुझे खाईपर जमा तो मुझे कथा मोर हठात मन पड़ी ये जे भोग द्वारा संपूर्ण भाव आमको शांति मिलना कहीं शांति मिलना ना जे मनीषत्व जदि आमर मनीष सुलभ गुण जपर दया क्षमा सहानुभूति सहनशीलता श्रद्धा निष्ठा सहृदयता ये सब जिनस जदि आमर नबूर देला बेलू ये सब पालन कला बेलू मनीषर गुण गुड़ाक पालन कला बेलू आम जो आनंद हुए केवेहले भोग बेले से आनंद रहे ना आप जन को किसी देले आर आनंद मुहरे जो हस फुटी उठला सेटा देखला आपको जो आनंद मिले निजे से खाइले आनंद मिले से आम प्राचीन ऋषिगण भोग और त्यागर समन्वय जीवन जापन करने ये चारोटी आश्रम करते तेणु एवं गृहस्थाश्रम से बानप्रस्थाश्रम जाऊे जमी फर एक्जामपल हूँ जन इंजीनियर आ मोर सात्वी मुद उपनिषद यू पढ़ापी मोर अच्छी सेमती आम सुतार भाई भी से जन एक्सपर्ट अच्छा हर भाई भी एक्सपर्ट अच्छा सिद्धार्थ भाई भी एक्सपर्ट अच्छा प्रकाश आम विभूति भाई समस्ते निजे निज क्षेत्र में एक्सपर्ट अच्छा जिते सेवृत हो जाते ज्ञान मानने बांटी हो ना ज्ञान रोसी ओजन ना कि कई कह चोरी करें कि ज्ञान टा जब बंटन न हुए तो ज्ञान रोसी मानने आवश्यकता किसी रही से आम जो संजोग जो मैंने अच्छा समस्ते निज निज क्षेत्र में आम समाज रहा कि आम सेवा करुचु आमर जहाँ ज्ञान अच्छी आमर नेक्स्ट जेनेरेशन ना नई पीढ़ी से सब को आम दौ ज्ञान आदान प्रदान आनप्रस्थाश्रम बानप्रस्थाश्रम थी एक्जाक्टली दैट मैंने आम जो ज्ञान आहरण कर खाली ज्ञान आहरण करमर अभिज्ञता अच्छी तेणु ज्ञान और अभिज्ञता आम नुआ युवा पीढ़ी को नुआ ब्रह्मचारी मान को आम देवा से प्रॉब्लम सब सॉल्व करवा से ठीक मार्ग प्रदर्शन करवा कारण आम से अनुभूति अच्छी तो यही गुडाक बानप्रस्थी होते बानप्रस्थी नुह जे से खाली हलदिया वस्त्र पिंधिक जाऊे से नगर उपकंठ से जाते सुंदर गुरुकूल स्थापन करते पा मान पढ़ाते आपण समस्ते जाणि रखि था जे से जो पढ़ाते से मैंने फिज नौ नमर राष्ट्र बा राजा नो स्टेट फंडिंग वाज देयर फॉर द एजुकेशन से मैंने एजुकेशन देते संपूर्ण भाव कारण तर कौन से आवश्यकता ना सब आवश्यकता भोग से सारी गृहस्थाश्रम धन धान्य सब निजर पुओ झील मान को जो मैंने एबुल अच्छा दान कर देर कौन से आवश्यकता ना जहाँ भिक्षा पिला मैंने जहाँ भिक्षा कर विद्यार्थी मैंने आने से ईरे चलाउले से कौन सी धनर धनर नेणदेण ना शिक्षा जो दिन शिक्षा बिक्री हवा आरंभ कला आम समाज पतन हवा आरंभ कला तेणु ये बानप्रस्थ जो मैंने बानप्रस्थी मान थे से मैंने तपस्वी थे आते बानप्रस्थ से कि बंधन था मोर शिष्य मोर परिसर मोर ये कितने जो पंचस्तरी वर्ष होता सन्यास ना सन्यास अर्थ हूँ सम्यक भाव न्यास करवा संपूर्ण भाव में त्याग करदे से मैंने गैरिक वस्त्र धारण करते गेरुआ वस्त्र पिंधुते गेरुआ हूँ अग्निर प्रतीक से मैंने निजे जली जाती केवल ये शरीर जो ये जो पाउस ही जो शरीर आम अच्छी से खाली बाकी अच्छी आम जिते बड़े आत्मा चली समय से ध्वंस होती वेद कहते भस्मांतम शरीरम तार्थ शरीर भस्म अंत हुए से मैंने सन्यासी मान से मैंने निजेर ऑलरेडी से मैंने भस्म हो सारी कौ भाया ना ज्ञान रे भस्म हो सारी से मैंने मृत्यु को डरती से मैंने मृत्यु को आलिंगन करती मृत्यु निजर जेकोसी समय जीवन चली जाए से कौन सी दुखी नुहति
देखिथे मुझे स्वामी हरिहरानंद गिरी जने की जन पूज्य स्वामी थे सी राउरकेलार देखा मत सुजोग मिलता मु मो पत्नी पाखु जाइथु देखा करिया पई सेथि समय रे मोर पिला माने सान सान थिले आउ जने लोक आनिकरी से समय रे 100 टंका देले 100 टंका रा वैल्यू से समय रे बहुत बेसी थिला 90s कथा कहउछि से समय रे से 100 टंका आनिले आउ संगे संगे मो झियो को से 100 टंका दे देले जणक ठु आनिले संगे संगे दे देले आउ जने के किछि फळा आनिला से समस्तक भितरे बांटी देले तो सन्यासी रा केही निजरा नहंती आउ केही पर नुहंती एका समय रे समस्ते भी निजर आ समस्ते भी पर एटा गोटे छोट कथा नुहे एमती कहिला बेले को मु कहि देउची किंतु एटा को पालन करिवा जे केते कष्ट जे केही निजर नुहंती आ केही भी पर नुहंती आ समस्ते निजर आ समस्ते होचंती पर ए आइतला सन्यासी रो संपूर्ण भावना से माने निजर परिवार सहित संपूर्ण काटी मान कौन संपर्क काटी सेपरि बानप्रस्थ अन्य समस्त सहित संपर्क काटी केवल ब्रह्म रे लीन होकि रही थे जे केतेबेले पंचत्व प्राप्त हे से अपेक्षा कर रही थे तो देखु मुतर मोर लास्ट वक्तव्य शेष करने पूर्व मु गोटे कनसेप्ट कौच जोटा कि आम वैदिक वर्ण व्यवस्था आश्रम विभाग जोटा कि मेजर कनसेप्ट तार मूल दुआ जोटा थिला सेटा होची त्याग भाव आमर प्रत्येक जीवन प्रत्येक स्तर रे प्रत्येक आश्रम रे आमे धीरे 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 त्यागर भावना बढ़ुची जेपरी मु कही जे ब्रह्मचर्य बेलू को आम स्वार्थी थिलु किंतु जेतेबेले गृहस्थ हेलु आमर स्वार्थ त्याग करिकि आमर परार्थ बढ़िला अन्य मानको सेवा करिया पई सुजोग मिलिला आ सुजोग भी कलु भाई बंधु कुटुंब निजर परिवार तापरे पुनी व्यापक हला जेतेबेले बानप्रस्थ हला सेटे परिवार छाडिकि आमे समाज प्रति गले आउ आमर ये निस्वार्थ पर भावनाटा आहुरी व्यापक हला ठीक सेही परि जेतेबेले बानप्रस्थ रु जेतेबेले आमे सन्यास आडकु जाउचे सेही समय रे कौन हूँ ना विश्व प्रेम विश्व ही संसार विश्व ही परिवार से कई निजर नुहंते कई पर नुहंते तेणु ये जो त्यागर भावना ब्रह्मचर्य सन्यास आड़ को बढ़ी बढ़ी चली हूँ आम वैदिक वैदिक विचार मूल मंत्र मुक कही मोर वक्तव्य शेष कर संजोग सब भाई भी मान को प्रणाम कर मत सुजोग से माने आहुरी व्रती हेपी से माने मते उत्साह प्रदान कर मोर जी शेष जीवन रही परमेश्वर को प्रार्थना कर साहित्य वैदिक साहित्यर प्रचार और प्रसार और गाँ गाँ रे आम 35 बही आम अच्छी विभिन्न पितांकर मो पितांकर लिखित माँ लिखित बहुत बही अच्छे तो से सब कुछ प्रचार करी अन्य मान को विभिन्न संस्कार माध्यम विवाह संस्कार ये संस्कार आमर से जो 16 संस्कार अच्छी से विषय में गोटे थर जब मत सुजोग मिले मुझे 16 संस्कार विषय में कहना चाहूँगी सुतार भाई अनुमति देले केबे नेक्स्ट मस रे सुविधा देवे कह चाहिए विभूति भाई आपण म्यूट अछंती विभूति भाई अनम्यूट करंतु हेलो हाँ वाह हाँ से आगो हाँ बर्तमान सुभिला सुभिला कहंतु हेलो आज्ञा सुभूची ज्ञान भयंकर सॉरी यज्ञ प्रकाश क्षमा कर यज्ञ भाईकर आज वक्तव्य अति मर्मस्पर्शी थिला प्रकृत रे आमर
सीमा भीतर सीमार बाहर थिला अमर जो ज्ञान परिसर सीमार बाहर थिला आउ प्रकृत रे आपण वेद पर बहुत किछि ज्ञान आहरण करचंदे आसंतु वर्तमान जीवा अमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भीतर जदि कहार किछि प्रश्न थाए ताहले आमे तांकर उत्तर खोजिबा से चार्ट बॉक्स माध्यम रे गोटे प्रश्न आसीछि भाई हेमंत कुमार दास से लिखिछंती हाउ दि सब कास्ट्स आर क्रिएटेड हाउ दि सब कास्ट्स आर क्रिएटेड मु भाई को कहबि से यार उत्तर तो रखिबे बोली प्रकृत रे जो कर्म विभाग हेतिला सेइटु रे ही कास्ट रो सृष्टि होइछि मु जेपरि कहितिली जे बढ़ई रो पिला माने बढ़ई होउथिले सुनारी रो पिला माने सुनारी होउथिले आउ सेमती विभिन्न आर्टिसेंस जो माने अछन्ते से मानकर पिला माने से माने से मानक पिला बळु सिखि सिखि सेटा होउथिले आउ जेमती पूर्व काल राजा माने मध्य केवल तांकर राज परिवार मध्ये से माने सीमित थिला से मानकर विवाह संस्कार तो जेनेटिकली से मानकर संस्कारित से संस्कार पिला माने जन्म होते तर यार अर्थ नुह आप देखिथे जन राजा कोड़े दस टी सतान थे दस टी सतान समस्ते क्षत्रिय गुण संपन्न नई पारती केते जन वैश्य गुण संपन्न हो पारती शूद्र भी पारती विभिन्न विभिन्न ये रे पारती गुण संपन्न तो आमर मुझे आगुरी कही यहाँ हूँ गुण कर्म स्वभाव अनुसार मान वर्ण विभाग था कि जाति विभाग है केवल जन्म अनुसार तेणु जो आप कहते कास्ट सब कास्ट ये सब गुडाक धीरे 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 वर्ण व्यवस्था विकृत रूप आप देखते आमर ये जो वेस्टर्न सोसाइटी रे प्रथम थिला क्लर्जी थिला जो माने बिशप्स बा क्लर्जी थिले तापरे से थिले सोल्जर्स थिले तापरे आर्टिसंस बा जो माने आर्टिस्ट थिले मर्चेंट थिले से माने गोटे जाति थिले आउ तापरे थिले लेबरर्स एमती चारिटा विभाग विभाग वेस्टर्नर्स माने मध्य हमरो इंडियन सिस्टम को कॉपी करके से माने से माने चारिटा विभाग करथि तो मोर जाति करे करे इजीली देखा है जी जे जेमी प्रकार के जाति अछि विभिन्न प्रकार अछि वेदर अनुसार गोटे होछि मनुष्य जाति आ गोटे होछि सरीसृप जाति आ गोटे होछि विहंग जो माने आकाश रे उड़ती आउ 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 गोटे जाति होची कीट आ गोटे होची सरीसृप तो कीट पतंग सरीसृप आउ मनुष्य ए सब गुडाक विभिन्न विभिन्न जाति बोली वेद रे वर्णना कराई जे ए सब जाति किंतु वर्ण अलग वर्ण होची निजर गुण कर्म स्वभाव विषय तो एबे जेमती अवक्षय हेची जो जाति रे अवक्षय हेची तार तार मूल ये होची जे जो माने जो काम रे निपुण थिले तांकर पिला माने मध्ये सेही काम देखिकरी निपुण हेले तो सेहिति पई बढ़ई रो पिला माने साधारणतः बढ़ई होतिले कारण से माने छोट पिला बुढ़ सिखी जाउतिले कुंभार रो पिला कुम माने सेही माटी गढ़िबा सिखी जाउतिला बा क्षत्रिय से जे खंडा चलुतिला सी सिखी जाउतिला तो किंतु एटा वर्ण व्यवस्था सेमती नथिला वर्ण व्यवस्था रहुछि जे तांकर गुण कर्म स्वभाव अनुसार से मानंकु विभाग करा जाउथिला मु वैदिक वर्ण व्यवस्था विषय कहुछि एबे जो प्रचलित जाति व्यवस्था समस्त जानिछन्ति सेटा किपरि धीरे धीरे माने प्रोलिफरेशन हे जाइछि बढी जाइछि संपूर्ण भावरे सहस्र सहस्र जाति हे गेलानि वर्ण जाति माने आउ से विषय से रिजर्वेशन प्रथा आरंभ हो जाति एवं सर्वस्व यही जाति लोक मान मान जाति अनुसार भोटिंग भी हूँ कि प्रकृत वैदिक जुगरे यही जाति प्रथा कि वर्ण व्यवस्था धन्यवाद सर मु भावुची हेमंत भाई प्रश्न उत्तर पाई थे आउ गोटे प्रश्न आसी चैट बॉक्स मध्यम व्हिच इज द बेस्ट among these four ashramas vaikunthana chau pacharichanti which is the best among these four ashramas prakritare dekhiwa gole konosi best boli kichhi nahi karan eita huchi panthashala ama jibanare chariti panthashala this is
माने माने जेमती जे ब्रह्मचर्य सेठी आम कि दिन रहिले से पांथशाला छाड़ी आमको जी पड़ पी आउे गृहस्थाश्रम तो ये सब गोटे सोपान तेणु आम जदि मन कर चारिटा पहाचरे आम जीवन को समाप्त कले गोटी कौ पहाचटा भल आम केमती कह प्रत्येक पहाच आम जीवन रत्मिक शारीरिक आत्मिक मानसिक ये सब उन्नति उद्दिष्ट तेणु कौन सी गोटे सोपान जे भल आ गोटे सोपान खराब कारण गोटे सीढ़ी न चढ़ले आपर सीढ़ी को चली जाई पारे ना तेणु प्रत्येक सोपान निजर निजर महत्व अच्छी यहाँ हूँ मोर विचार धन्यवाद आज जन बंधु अमर से हैंड रेज कर बाबाजी चरण विश्वास मु विश्वास भाई को अनुरोध करी से निजुक अनम्यूट कर प्रश्न टा उपस्थापन करंतु बाबाजी चरण विश्वास जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ खूब सुंदर भाव रे आपण आज जो टॉपिक थिला हमको बुझेले खूब भल लागिला एवं बहुत जिनस जानि हला मोर प्रश्न हेउछि ए जो सन्यास धर्म अछि ए भीतर आमर चारि प्रकार सन्यास मानकर चारि प्रकार प्रकार भेद थाए जे प्रकार आमर वर्णना करा जायछि कुटी चक्र बहुदक हंस एवं परमहंस किंतु वर्तमान देखा जाउची चारि प्रकार भितर समस्ते सन्यासी स्तर समस्ते निजुकु हंस एवं परमहंस स्तर रे कहउछंती जो सन्यासी रो सन्यासी जो धर्म जहाँ वेद रे करा जायछे ताकु पालन न करिबा द्वारा आश्रम व्यवस्था रो जो शेष आश्रम टा बहुत असुविधा हो लोक मान को भूल बार्ता जा लोक मानर समाज रे सन्यासी धर्म प्रति गोटे बेपार वाणिज्य करिबा टंका रोजगार करिबा गोटे ग्रुप तैयारी करी से माध्यम रे निजर जो साम्राज्य बढ़ेबा ए प्रकार वर्तमान चली टिके आलोकपात करंतु जे वर्तमान रे कौन हबा उचित बाबा जी भाई नमस्कार आउ आपणकर प्रश्न उत्तर साधारणतः समस्ते ही जानी जे जो माने गैरिक बेशधारी लोक माने सन्यासी बेशरे बुलुचंती से मानक भीतरु प्रकृत केते जन लोक सम्यक भाव न्यास अर्थात सम्यक भाव त्याग कोटा को निजर आशा आकांक्षा निजर प्रलोभन ए सब को केते दूर से माने करिछंती केवल से माने ही जानते शुणतु हंस और परमहंस ये सब जो उपाधि दिया हूँ किए के परमेश्वर को जानी पारी किए स्थित प्रज्ञ प्रकृत स्थित प्रज्ञ आए प्रकृत से मृत्यु को आलिंगन करने रेडी अच्छी मान जी अच्छी केवल से सन्यासी ही जानी थे अन्य मैंने के ही जानवा तार संभवपर नुहे कारण जो सन्यास धर्म हूँ इट इज द कम्युनियन विथ गॉड alone au sei bhitare parmeshwar ko sangare sampurna bhavare tanku upalabdhi kariba au ei jo brahmacharya banaprastha brahmacharya grihastha banaprastha dei nijara anubhuti kari sansara prati gote bishabhav srushti karikiri केवल माने जो भौतिक बाद रु आध्यात्मिक बाद आड़ को जीवा पई जो माने चेष्टा कर देखो कौन सी लोकर मनोभाव आपले जानी पारे केवल बाह्य आचरण जानी पारा जे से लोक किए तो सेमती जो सन्यासी मैंने सन्यासी मान देखु जो सन्यासी मैंने गैरिक बेश धारण कर संसार प्रति बहुत आकर्षण रही बहुत जन स्त्री लोक मैंने बुले था बहुत देखी एमती बहुत न्यूज आसीचे आन उपार्जन केमती करेंगे निजर संपत्ति बढ़े निजर मठ महंत निजर बेसी चेला केमती करेंगे मुझे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे एमती लोक अच्छा केमती आम ऑर्गेनाइजेशन आड़क बेस लोक आसतु बेस आकृष्ट हूँ ये सब कर तार अर्थ कौन हो संपूर्ण भाव सी न्यास त्याग करना संसार को सी सन्यासी नुहंती के कारण परमहंस और हंस कहने के सक्षम नुहत मुझे देखे कही पार्टी आपत भगवत उपलब्धि
ସେ କହିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ କାରଣ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆପଣ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛଡା କେହି ଜାଣିବା ଇଏ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଣ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଆଚରଣର ଜିନିଷ ନୁହଁ ଏଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ ବା ଆମେ ଏନକରେଜ କରୁନୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରଥ ବାବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ବୋଧେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମର ଯୋଉ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଯାହା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେକୌଣସି ବର ଆଉ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ମିଶି ଯାଉଥିବ ସମାସ୍କନ୍ଦ ଥିବେ ତାହେଲେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନହେଲେ କଣ ହବ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତା ଜାତ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଣେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାମସିକ ତା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ ମୋର ଯୋଉ ସାଗ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜିଟେରିଆନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ସେ ସବୁଦିନ ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚଳେନି ତ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ପୁରା ଡାଇଭର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଯାଇଥିଲୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକିରି ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଥାଏ ଯୋଉଠି ବହୁତ ବୈଷମ୍ୟ ଆସିଯିବ ବିଷମତା ଆସିଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଏ ଯୋଉ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଜାତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାହାହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବାହାହେଲା ସିଏ ଶୂଦ୍ରକୁ ବାହାହେଲା ଏଇଟା ସହିତ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥା ତାହା ହଉଛି ଜନ୍ମଗତ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ନୁହଁ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏବେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ବିବାହ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାୟ ସମାନ ମିଶିବା ଦରକାର ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଲାଉ କାରଣ ନଥିଲା କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେନି ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଜେନେଟିକାଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜେନେଟିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାହଉଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ ରାଣୀ ଏତେ ଏତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦାସୀକୁ ରଖୁଥିଲେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବିକଜ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ତ ନିୟମ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବନି ପଲିଗାମୀ ଖାଲି ମନୋଗାମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ ସେଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଏବେ କଥା କାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସେଇଠୁ ଆସିଲା ୱାର୍ଡଟା ତ ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଯୋଉ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପୂଜା ପାଠ କରିବା କୌଣସି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକା ଭାବରେ ଥିଲା
एने वैश्य थे भितर भी जन ब्राह्मण हो पारि था यदि ताकूली शिक्षा दे था कि तार से प्रति रुचि था तो पूर्व काल मैंने प्रवृत्ति अनुसार किंतु परे परे तारे दि जेनेशन है तो आपण जो कहते ब्राह्मण कूल पे केवल ब्राह्मण को बाहर होते पूर्व कारण से गुणकर्म स्वभाव प्राय प्रायतः सामान था से बह करते क्षत्रिय क्षत्रिय जो राजा हेले से स्वेच्छाचारी गले निजर देह लालसा पूर्ण करने जेको स्त्री सी शूद्र हो दासी हूँ राणी भाव रखुले तो यही गोटे विषमता इट इज इट्स एन मैंने एक्सेप्शन भावत इट इज नॉट द रूल किंतु रूल हूँ केवल गुण और कर्म स्वभाव से वर्ण बा जातिर कौन सी ये ना मो कथा जस्ट गोटे मिनिट जो ब्रह्मचर्य पर गृहस्थाश्रम बेलू कन्वोकेशन डिसाइड कराला किए कौ बर्णर तेणुक कहार गुण मैंने ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण छुआर कौन से ब्राह्मण नई पारे कन्वोकेशन पर वैश्य हो पारे वैश्य है ब्राह्मण घर से बाहर पार ब्राह्मण घर से जन्म होता प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनुसार से डिविजन होता से डिविजन अनुसार ही वैदिक सिस्टम डीजेनरेशन देयर इज नो डाउट अबाउट इट भगवत गीता महापुराण पढ़ुचे से महापुराण पढ़ुनि कि पढ़ा सका क्षत्रिय ब्राह्मण को बाहर से आशीर्क प्रकृति लोक मान शुक्राचार्य झील देवजानी की तो अनिरण बाहर थे ब्राह्मण सीए देवजानी तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ना से जो राजा घर बाहर रोते मो कह कथा से मानने इंटर वर्ण मैरेज permitted in वैदिक सिस्टम वर्ण शंकर कहला not as a rule कुछ एक्सेप्शन वर्ण शंकर कहला लुकडाउन अपन अरे वर्ण शंकर कथा किसी कहनी कह जानी जहाँ शुणी वर्ण शंकर मान को मानने घृणा दृष्टि देखा जाए वर्ण शंकर इंटेलीजेंट कारण दिटा जेनेटिक फैक्टर आसला से गोटे गोत्र बाहर ना सगोत्र जो 1946 पर्यंत बिफोर इंडिपेंडेंस पर्यंत 1946 सगोत्र विवाह मानते निषिद्ध था आप देख प्रथम जो गोत्र आरंभ होता से गोत्रे मानते सातटी ऋषि थे गोटे हूँ विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम कश्यप यही सातटी जो सप्तर्षि थे ये सातटी ऋषि जो पुत्र संतान माने थिले से मानकर जो वंशधर माने थिले से मानको ही गोत्र बोली कहला तापर पर कौन है अन्य ऋषि मान को लेकिन प्रबर आरंभ है प्रबर से प्रबर जिते बने कहते अन्य ऋषि मान को इनक्लूड करापर गोटे आसला सपिंड सपिंड विवाह संस्कार हो ना अबे आमर जो हिंदू मैरेज एक्ट अच्छी 1955 आमर देख सपिंड अर्थ हूँ मोर पिता पांच पीढ़ी पर्यंत और मो माँ तीन पीढ़ी पर्यंत कौन सी विवाह संस्कार एबे बैन अच्छी मानु ना किंतु एबे पर्यंत आप देख हिंदू मैरेज एक्ट 1955 एवं सपिंड विवाह पांच पिता पांच पुरुष मानने माँ तीन पुरुष पर्यंत बैन अच्छी तार धीरे धीरे जेनेटिक रिजन थिला तो सेम सपिंड बाहर द्वारा विभिन्न रोग होता आम साइंस पुष्टि कर विज्ञान निजर जमी भाई भौनी निजर कजिन सिस्टर सब विवाह संस्कार हवा कथा नुहे
ବିଭୂତି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହର ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇ ମିନିଟ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯିବା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହର ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ହର ଭାଇଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହର ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେନି ଏବଂ କିଛି କହିବେନି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ହର ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛି ହର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପଦ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ବିଭୂତି ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଯୋଗରେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରସାର କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଭଲ କଥା ବିଜ୍ଞ କଥା ମାନବିକ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁହଁରେ ହସ କାହିଁକି ନଥିଲା ପୁରା ଭୂ କୁଞ୍ଚନ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁହଁରେ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା କାହିଁକି ଏଇ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହସ ଆମର ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ କହିବି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସିଏ ବାପା ସେଭଳି ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ବାରମଜା କାଢୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଶହୀଦନଗର ଆମେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ବସିଛି ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ହେଲା ଯେ ସିଏ ବି ସେଇଟାକୁ 89ରେ ଆସି କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମତା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ନା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଆଜି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସେ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରେ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କହୁନା ଆମର ସଂଯୋଗରେ ଯାହା ହଉଛି ସବୁଟା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ହେଲେ କିଏ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ କରିକି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଦେଖୁଥିଲି ହସ କାହିଁକି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୂଗୋଚର ଦେଖୁ ସେ ତାର ରହସ୍ୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବାରୁ ହର ଭାଇ ଆସିବା ପରଠୁ ମୋର ହସଟା ବାହାରିଲା ପରା ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଲା ଆଉ ଯୋଉଠି ହସ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ପଶିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବିତାସ ଭାଇ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ 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 ଶଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ପାକୁଳି କରୁଥିଲି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ବାବାଜୀ ଭାଇ କହିଲେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ହେଜିବା ଆଉ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ ନକଲେ ତାହାର ପାକୁଳି ନକଲେ ଯେମିତି ଆଖୁ ଯେତେ ଟାଣ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଚୋବେଇବ ତା ରସଟା ବାହାରିବ ସେଭଳିଆ ନକଲି ହୁଏ ନାହିଁ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯାହା ମୋତେ ଖୁସି ହେଲା ମୋର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆପଣ ହସିଦେଲେ ମୋର ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଲା ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଇଟିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଲିଭିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାତି ସେ ହେଲା ମଣିଷ ଆଉ ଅମଣିଷ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାତି ସେ ହେଲା ମଣିଷ ଆଉ ଅମଣିଷ କାହିଁକି ପାଠ ସାଠ ପଢି ଏକଦମ ବହୁତ ଉପରେ ରହିକିରି ସେଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଅମ କରି ସ୍କାମ କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆୟୁର୍ଭୂତ ଜମି ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଦେଲେ ଧାରପଡ଼ା ଦେଲେ ଯାଅ ଚାକିରି ଟର୍ମିନେଟ୍ ସେ ପୋଲିସ ହଉ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ ଆଇପିଏସ୍ ହଉ ଦେଖିଲି ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଉ ଅମଣିଷ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏପଟେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ପଇସା 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 ପଛରେ ଯାଇକିରି ଭାଇକି ବାଡ଼ ବାପା ପୁଅ ପୁଅ ବାପାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଜିଆ ହେଉଛି ମନ ପଚାର ହେଉଛି ମୁଁ ଓ ମୋର ଦୁଃଖ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଓ ମୋର ଦୁଃଖ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଖାଲି ଯେ ଆମେ ମଜା କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୋଇଙ୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ରିଅଲାଇଜିଂ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ବଟ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ନାଇଁ ମାଇନସ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ସେତିକିଟା ଆଉ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥରେ ମୁଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି
ଗଜପତି କି ଥରେ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାରରେ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିଜକୁ ମାନେ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଏତେ ବଢିଆ ହେଉଛି ଲୋକ ଖୁସି, ମଞ୍ଚକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ହସିଲେ ଗଜପତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଭିନୟ କହିଲେ ହରପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 300-350 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ, ଆପଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଥା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ଏଠି ବେଶୀ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହତବାକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଲୋକ ବହୁତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରପଟ ଲୋକ ଯେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଜୀବନରେ କରନ୍ତି ଆଚରଣ, ସେମାନେ ସାଧ୍ୱୀ ବିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ବସଉଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମର। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାନ ଧରିଲି, ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ବୁଝିବାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି କାଲି କହିବାର ଥିଲା, ଭରପୁର ରହିଛି କଳିଯୁଗ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ଦି ହିପୋକ୍ରାଟ୍ସ। ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଆଜି ସକାଳର କଥା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ 100%ରେ 90% ମିଛ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ 90% କାଟିକି 10%ଟା ଶୁଣୁନୁ, 90% କାହିଁ ଭିତରୁ ନଉଛୁ କି? ତୋ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଯୋଉ କରୋନାର ଇମ୍ୟୁନିଟି, ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ କର, କାନଟାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚା ଛଣା ରଖିଦେ, କୋଉଟା ଭିତରୁ ନବୁ କୋଉଟା ନବୁ ନାହିଁ, ସହିଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବୁନି। ଜାଣିଗଲୁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଥିଲି କେଡ଼େ ଭଲ, କେତେ ଓରିଜିନାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀ ମାଛ ନୁହଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାରି ଦିନର ଇଏ ମାଛ, ଜାଣିଗଲୁ ତ ଖାଇବୁନି, ସରିଲା, ତୋ ହାତରେ ସମାଧାନ ଅଛି, ତୁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛୁ? ମୁଁ ଇଏ ଭାବିନଥିଲି, ଇଏ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼େ ହେଲା, ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହସିଲେ, ମୋର ବାସ୍ ମୋ ଯଜ୍ଞ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ରହିଲେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ଯାହା ହଉ ଖୁସିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ହରି ଓମ୍, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି, ଦୀକ୍ଷୟା ଆପ୍ନୋତି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାପ୍ନୋତି, ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସତ୍ୟ ମାପ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରତରୁ ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷାରୁ ଦକ୍ଷତା, ଦକ୍ଷତାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସତ୍ୟ ମିଳେ। ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସରଳ ସୋପାନ। ଯେକୌଣସି କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରତ। ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ତାହା ଦୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇସାରି ନିରନ୍ତର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ସେଥିରୁ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସତ୍ୟ ଧାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସତ୍ୟାଚାରୀ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରକ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଜଣେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହେଇ ସୁଦୂର ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଯାଇକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ନେଇକି ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ। ତାଙ୍କର କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ବୈଦିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ପରିବାରରୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗାର୍ହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନାର
बार्ता से आमको देले पाखे आम कृतज्ञता प्रकाश करुचु धन्यवाद दौचु राजकुमार सुतार महोदय सी आम समस्त जगिंट प्रति मुहूर्त सी आमको गाइड कर निष्ठा एवं ये ग्रुप को परिचालना करिबा जगर तांकर जो दक्षता मु तांकु बहुत साधुवाद दउची एवं धन्यवाद दउची सर्व श्रेष्ठ हला आमर भाई हर भाई तांकर प्रेरणा रे ये कार्यटी हेइची तेनो मु ये समस्तंकु आम ये अनुष्ठान तरफरु कृतज्ञता प्रकाश करुची धन्यवाद ज्ञापन करुची नमस्कार सुभाष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अति सुंदर भाव शेष स्पर्श दे आज आदि वेबिनार रे जोगदे आम संजोग संजोग बाहर जोगदे आज वेबिनार सफल कले समस्त संजोग तरफ धन्यवाद दूसरी समस्त नमस्कार सुतार भाई आसता तीन तारीख दिन संजोग वेबिनार अच्छी प्रति गुरुवार दिन करुचे तेनालीस तीन तारीख गुरुवार दिन अच्छी से दिन आम हर भाई सहित एक मधुर आलाप साक्षात्कार प्रोग्राम अच्छी तेनाली अनुरोध समस्त से दिन आसबे।